अस्सलाम वालेकुम। आज संडे तो यहाँ पे बिल्कुल नई एक शॉप खुली है। मुझे लगता है कि आज उनका फर्स्ट डे है। मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ शॉप के वंपुआ वर्ल्ड में है अबाउट थाई और ये है बाहर से। ऐसे ही मैं अंदर देखने ले गई तो फिर जब मैंने नोटिस किया तो अंदर काफ़ी चीज़ें हलाल हैं। ये हलाल है क्रिस्पी चिकन स्किन, लेकिन ये हमने किसी कभी ट्राई नहीं की तो इसलिए पता नहीं है कि कैसी होगी, बट स्टिल जो लोग ट्रस्टेड हैं तो उनके लिए ये मैं दिखा रही हूँ कि ये हलाल है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ बास्केट उठानी पड़ेगी क्योंकि साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं ट्राई करना चाह रही हूँ। ओह फाइनली कोई लेज़ हलाल भी है यहाँ पे। अभी देखें ये मैं ट्राई करना चाहती हूँ लेकिन ये हलाल नहीं है क्योंकि किसी लिखते नहीं लिखा हुआ कि ये हलाल है। स्पाइसी कोरियन रामन ये भी हलाल है लेकिन अभी दो ही ले रहे हैं इनमें से और देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पर। चिली लेमन ओ बटर स्कॉच कॉफी कैंडी इट्स हलाल टू। मिल्क वेफर्स और इसके अंदर फ्लेवर्स हैं स्ट्रॉबेरी ऑरेंज बनाना चिप। स्पाइसी ड्राइड मैंगो इज वीगन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये देखें ड्राई चीज़ें मिल रही होती हैं तो मैं ये ले रही हूँ फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए, देखते हैं कैसे होते हैं ये। बारबेक्यू पीनट्स टॉम यम फ्लेवर पीनट्स दे हैव सम रियली एलिवेटेड ड्राई फ्रूट गेम कोकोनट कोटेड पीनट्स और भी काफ़ी कुछ है नीचे लेकिन रश इतना है शॉप में कि हर तरह से जो है ना कोई टकरे खा रहा है। यहाँ पे हलाल नूडल्स भी हैं टॉम यम नूडल्स ओरिएंटल टूना स्टेक सार्डिन आई हैव नेवर ट्राइड दिस आई डोंट नो व्हाई आई एम स्केयर्ड ऑफ देम। कोकोनट मिल्क राइस फ्लावर बीन्स टॉम यम सूप टॉम यम सॉस ब्लैक पेपर सॉस। पहली दफ़ा मुझे इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स के अलावा कोई जगह मिली है जिनका मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो हलाल हैं। आई थिंक दिस रेंज इज़ ऑल हलाल दिस रेंज अबाउट हियर इज़ आल्सो हलाल द सॉसेस एंड सूप्स। लेट मी सी दिस दिस इज़ आल्सो हलाल फॉर आउट देयर दिस सूप इज हलाल। आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड दिस शॉप। ये नूडल्स हमने अभी उधर देखे हैं टॉम यम और ओरिएंटल दीज आर ऑल्सो हलाल। दिस इज टॉम यम सी फूड सी फूड सी फूड सी फूड ओह माय गॉड कैन आई नूडल्स आई रियली वाज क्रॉसिंग माय फिंगर्स ऑन दिस एंड लुक एट दैट दिस इज ऑल्सो हलाल आई एम सो हैप्पी। इनके पास हैं
चिकन पैड थाई साथ है चिकन, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस कर भी रही हूँ या नहीं, और ये मैं रख रही हूँ बिल्कुल, इंशाल्लाह से ट्राई करेंगे और मैं फीडबैक भी शेयर करूँगी कि ये कैसे हैं। दिस होल रेंज इज़ ऑल्सो हलाल। मैंने क्या रखा है पहले, मैंने पहले रखा है पैड थाई और मुझे ये भी ट्राई करनी है, तो पहले दो ट्राई करते हैं, ये तीसरा रह गया, ये इंशाल्लाह बाद में कभी इस तरह चक्कर लगेगा तो ट्राई करेंगे। लुक एट दैट, ग्रीन चिकन, ग्रीन करी विद चिकन एंड थाई जैस्मिन राइस, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने स्पाइस लेवल्स के साथ मेंशन किए हुए हैं। दिस इज स्टर फ्राइड चिकन विद थाई जैस्मिन राइस। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ दिस? प्राइस ऑफ दिस, ओह इट्स देयर, ओके, 50 फॉर टू, थैंक यू सो मच। So it's 50 for two. That's awesome. So ये मेरा ख्याल है हम ट्राई करते हैं चिकन टॉम यम एंड थाई जैस्मिन राइस, लेकिन मैं और कुछ ढूंढती हूँ कि इससे ज़्यादा स्पाइसी क्या चीज़ है, तो हम वो ट्राई करेंगे पहले। स्टर फ्राई चिकन और इसके अंदर 4 है स्पाइस लेवल, और क्योंकि ये 50 for two है तो इसलिए यहाँ से कुछ और हम देखते हैं जो कि स्पाइसी हो। दिस इज स्पाइसी, दिस इज स्पाइसी, व्हाट इज दिस स्पाइसी? इसका ये मैं लेना चाह रही हूँ लेकिन ये बहुत स्पाइसी नहीं है, तो लेट मी सी। अच्छा ये तो पहले ही लिया हुआ हमने, इसके ऊपर स्पाइस लेवल क्यों नहीं है? सॉरी, ठीक है भाई फिर ये लेते हैं। आई डोंट सम काइंड ऑफ चिकन विद स्टीम थाई राइस और इट्स ऑल्सो हलाल। ये सारा स्टफ जो है ये रेडी टू ईट है। हलाल, मैं अपनी खुशी इस टाइम बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुशी सारा कुछ देख के यहाँ पर, और लोग ज़्यादातर टाइम हम घर में बना रहे होते हैं, बट स्टिल फाइनली कोई शॉप है कि जहाँ पे मैक्सिमम टू बना लें। और ये देखिए मुझे क्या मिला, दिस चिकन इज हलाल, दिस चिकन इज हलाल, ओनली चिकन विद साउंड हलाल वाज इन वेलकम एंड कोई और जगह भी है जहाँ से हमें हलाल चिकन मिल सकता है। सो ग्रेट, ओके, मैं बहुत आराम से डिस्ट्रैक्ट होकर उस तरफ जा रही थी, अभी मुझे इस तरफ से दिखा देखना है। और भी यहाँ और भी बहुत सारी रेंज है, कोरियन नूडल्स, उस तरफ सारे लोग आ गए, मेरा जाना ज़रा पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैमरा पैन करके थोड़ा दिखाती हूँ। जगह बनी गई है थोड़ी, कोकोनट कस्टर्ड, चिकन राइस, फ्रोजन बिरयानी करी, फ्रोजन स्टिकी राइस विद मैंगोज, आई हैव नेवर ट्राइड दो। ओके, अब यहाँ पे ये सॉसेज का सेक्शन, और पहले मैं ये सब सॉसेज देख कर गई हूँ, दे ऑल हैव हलाल स्टैम्प, ऑल दीज हैव हलाल स्टैम्प्स। चिली सॉस, माइल्ड हॉट, व्हाट इज दिस, soy sauce with chili, it seems so dangerous, it has chilies in it, like actual chilies. Sweet and sour plum sauce, this is nice. Fried fish cake, ye mera khala maine abhi dekhe the video start karne se pehle, these are also halal. Yes, yeah, okay, I'm going crazy. तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ही उठाऊं क्योंकि मेरी बाजू पहले दर्द कर गई है। देखें यहाँ तक पहुँच गई है बास्केट, यूरो केक, कस्टर्ड केक, खाने की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ये कुछ कॉस्मेटिक स्टफ भी है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ इनके पास
वो शूज वगैरह का कॉर्नर भी है और यहाँ पर कुछ फर्नीचर आइटम्स भी हैं। शॉप बहुत बड़ी नहीं है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो अवेलेबल हैं, वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। शॉप में जो रश है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे रश है चेकआउट पे वो भी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये चिप्स है, ये हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। एक ये स्पाइसी फ्लेवर, इसके अंदर क्रैब करी फ्लेवर है, अनदर फ्लेवर लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या फ्लेवर है, बस ऊपर डेविल और समथिंग लिखा हुआ है। तो एक ये ले लेते हैं हम। व्हाट एल्स, दीज ऑल्सो हैव द स्टैम्प्स और इनके ऊपर भी है। तो अभी के लिए बास्केट काफ़ी हैवी हो गई है, तो यही लेके चलते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, शायद सबके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन चले सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इनके लिए और जो हमने वो बॉक्सेस दिए हैं पैर साइड। और देखते हैं वहाँ पर भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मैं लाइन में अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकती, तो जूम कर लेते हैं थोड़ा। और ये भी हलाल है, तो यहाँ पर वैसे तो हमें कोई इस तरह की हलाल रेस्टोरेंट उस तरह से नहीं मिला। और खैर हम लोग जब बाहर निकल रहे थे तो फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, तो जिन रेस्टोरेंट्स को ऑलरेडी हमें पता होता है हम वहीं से जाते हैं जनरली, जो कि मोस्टली इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं या टर्किश होते हैं। वैसे में अगर हमें शॉप मिल गई है यहाँ पर, और दैट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी कोई जगह है तो उन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स को भी इसका टारगेट किया हुआ है। यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कि मैंने कोई मिस भी कर दी हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सब जगह का एक टूर लेकर तो सब कुछ दिखा सकूँ। देखते हैं क्या कुछ जमा कर लिया और कितने का बना है वो। ये बन गया है 191.4। तो ये हो गया हमारा सामान और इनको इंशाल्लाह घर जाके ट्राई करेंगे। और ये अचानक वाला व्लॉग है, कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे शॉप नज़र आई तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, स्पेशली यहाँ पर जब हम हमें डिफरेंट टेस्ट ढूँढना और हलाल भी हमें रिक्वायर्ड हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शेयर करें एक दूसरे से। दूसरे मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस ब्लॉग। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि कुछ मोटिवेशन वगैरह मिले। तो ओके, बाय।